हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बची हुई इडलियों से टेस्टी और मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाने जा रही हूँ। ये हमारे पास इडली, बची हुई इडलीज है, लेफ्ट ओवर इडलीज। कई बार बच जाती हैं तो हम उनका क्या करें? इससे हम एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। चलिए आइए, हम इडली को छोटे पीसीज में काट लेंगे। ऐसे छोटे सारे पीस हम कर लेंगे। इडली आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे इडली की सूजी की इडली हो या रवा इडली हो। और अगर आपके पास बची हुई नहीं है तो आप फ्रेश भी इसको बना के यूज़ कर सकते हो, तो इडली का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा इसमें। ये देखिए, ऐसे हम सब इडली को छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। कढ़ाई लेके उसमें ऑयल लेंगे थोड़ा सा, 1 या 2 टेबल स्पून आप ऑयल ले सकते हैं। चम्मच हमने सरसों ली है, इसको हम गरम होने देंगे अच्छे से, इसकी फ्लेवर तेल में आ जाएगी। ये इसके बाद हमने ये 2 चम्मच उड़द की दाल, 2 टीस्पून, इसको भी पका लेंगे। हल्की आंच पे ही भूनेंगे इसको, हल्का पिंक कलर हो गया है तो ये डालेंगे 3 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है होल। अब इसमें हम अनियन, ये ऐसे गोल कटे हुए अनियन डालेंगे और हाथ से इसको खोल देंगे। प्याज हल्के पिंक हो गए हैं तो हमने कैरेट को लंबा और पतला काटा हुआ है तो ऐसे इसको कैरेट को डाल देंगे। गई है तो अब हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता हम पहले नहीं डालते क्योंकि जल जाता है कड़ी पत्ता, तो अब हम साथ में घी में कड़ी पत्ते को पका लेंगे। और ये है शिमला मिर्च के जूलियन, हमने काटे हुए पतले पतले। ये इसको भी हल्का सौते कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, गलाएंगे नहीं सब्जियों को, तो हमें सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और ये है 1 कप पतली कटी हुई पत्ता गोभी। कैबेज को हम काट लेंगे और वो डाल देंगे। तो हम थोड़े मसाले डालेंगे, ये हम नमक डालेंगे, नमक 3/4 चम्मच, क्योंकि इडलीज में भी थोड़ा नमक होता है तो आप नमक थोड़ा ध्यान से डालें। और ये हमने लिए 1 टमाटर की प्यूरी, टमाटर को पीस लिया है मिक्सी में, क्योंकि इडलीज को थोड़ा मॉइस्ट करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबल स्पून पानी को मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 1/3 चम्मच लाल मिर्च, और ये हमने गन पाउडर बनाया है तो ये इसमें डालेंगे, इसकी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी लगेगी। ये हम 2 चम्मच, आप इसको टेस्ट करके डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा चाहिए खाना। ये गन पाउडर बहुत ही फ्लेवरफुल है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद जो हमने इडली काट कर रखी थी वो डालते हैं और इसको हम अब हिलाएंगे। अब इसको हम गैस को थोड़ा सा कम करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढकेंगे, क्योंकि जो सारे जूसेस हैं वो इडली के अंदर जा सकें, अब टेस्ट चले जाएं। स्लो गैस पर 2 मिनट के लिए। ये हमने जो गन पाउडर बनाया है इसको हम दूसरी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ये इडली के ऊपर लगा के भी, हमने 2 चम्मच ये गन पाउडर लें, इसमें हम ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल कोई भी ऑयल डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। ये इसका पेस्ट बन गया इसका। तो ये हमने इडलीज ली है, इसको हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे
उसको हाथ से पकड़ के उसे स्प्रेड करना। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें आप ऑलिव ऑयल यूज़ करिए तो ऑलिव ऑयल के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये ऐसे पेस्ट इसको ऊपर लगा दीजिए इडली के, या आप इसको ऐसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप देखिए से 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए, 2 से 3 मिनट, तो बस इडली हमारी यह बिल्कुल रेडी है। सारी कोटिंग अच्छे से हो गई है, सब्जी भी अच्छे से गल गई है, तो अब इसमें हम धनिया डालेंगे और धनिया से गार्निश करेंगे। और गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी इडली तैयार है, आप इसे बनाएं घर पे, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।